मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं नरेश गोस्वामी आपके सामने लेकर आया हूँ अपना नया यूट्यूब वीडियो, जिसका टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेन्स, इंस्पेक्शन चैम्बर्स एंड मैनहोल्स। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। आप जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो टॉपिक है, प्लम्बर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और ड्राफ्टमैन सिविल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रेन्स। ड्रेन्स क्या होती हैं? व्हाट इज ड्रेन? ड्रेन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने रेन वाटर को, बाथरूम्स का वाटर है जो, डिस्पोज ऑफ करने के लिए ड्रेन्स बनाई जाती हैं। घरों का पानी है जो, जैसे बाथरूम्स हो गए, किचन हो गए और जो अपने लॉन्स, ये क्या नाम है, आंगन है घर के अंदर होता है जो, उसके अंदर जो पानी होता है उसको ड्रेन्स के द्वारा बाहर सीवर में या इंस्पेक्शन चैम्बर तक पहुंचाया जाता है। तो ये है ड्रेन। इसमें जो हाउसेज होते हैं उसके अंदर तो होती हैं क्लोज ड्रेन या अंडरग्राउंड ड्रेन्स, और जो ओपन एरिया है जैसे स्ट्रीट्स हैं और हैं अपने बाहर स्ट्रीट्स के आसपास, वहाँ होती हैं ओपन ड्रेन। ओपन ड्रेन के आगे टाइप हैं, दो टाइप्स की ड्रेन होती हैं, ओपन ड्रेन और क्लोज ड्रेन। क्लोज ड्रेन को अंडरग्राउंड ड्रेन भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो ड्रेन्स हैं, क्या काम है इनका, पर्पज़ क्या है? जो हाउसेज का वाटर है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वाटर को सीवर तक पानी पहुंचाने के लिए ड्रेन्स बनाई जाती हैं। कॉर्नर पे हो सकती है या कर्व पे, बीच में इंस्पेक्शन चैम्बर बना दिए जाते हैं। जैसे अपने घर हैं, घर में क्या होता है, बाथरूम, रसोई और जो इनर और ओपन जो अपना स्पेस है, वहाँ पे पानी, जो बरसात का पानी है, रसोई का पानी है, उसको सीवर तक पहुंचाने के लिए ड्रेन का प्रयोग किया जाता है। दो टाइप्स की ड्रेन बताई हैं, ओपन ड्रेन और अंडरग्राउंड ड्रेन। सबसे पहले ओपन ड्रेन्स। ओपन ड्रेन्स जो खुली होती हैं, कवर्ड नहीं होती, ओपन टू स्काई होती हैं। ठीक है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला जो इनको डिवाइड किया गया इनके शेप के हिसाब से, जिस तरह की इनकी शेप में बनाया जाता है उस हिसाब से इनको नाम दे दिया गया। जैसे हाफ राउंड क्रॉस सेक्शन ड्रेन है, हाफ राउंड, राउंड एक सर्कल पूरा होता है, हाफ राउंड मतलब अर्धवृत्ताकार क्रॉस सेक्शनल ड्रेन है ये, और स्मॉल होती हैं साइज में, छोटी होती हैं, कैपेसिटी इनकी कम है, पानी की कैपेसिटी कम है, कम पानी को ये एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकती हैं। जो इसकी शेप है कुछ इस तरह से होती है, नीचे का है जो बेड बना होता है और ऊपर ईंट या ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। ये है अपनी हाफ राउंड ड्रेन, ये इसकी शेप है, इस तरह से बनी होगी। जो बेड है वो कंक्रीट का होता है और पाइप भी लगा सकते हैं अर्धवृत्ताकार, और साइड में ईंटें या ब्रिक्स का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्वांटिटी इसमें संभाल होती है पानी की, कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में पानी को ये एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगी, और संभाल होती हैं साइज में, इनका जो आकार है छोटा होता है। नेक्स्ट जो अपनी ड्रेन है वो होती हैं वी टाइप ड्रेन, वी टाइप क्रॉस सेक्शनल ड्रेन। ये जो ड्रेन थी इनका शेप थी हाफ राउंड क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट टाइप की जो ड्रेन है वो है वी टाइप क्रॉस सेक्शनल ड्रेन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इनका जो आकार होता है उनको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। वी टाइप मतलब वी टाइप, वी लेटर होता है जो, इंग्लिश का वी लेटर है, उसकी शेप में ये ड्रेन बनेगी। डेप्थ है जो इनकी ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेप्थ होगी तो ज़्यादा पानी को ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकेंगी। जो इसका 1/4 पार्ट है नीचे वाला, वो ईंटों का बना होता है और बाकी
पाइप भी लगे होते हैं इसमें, नीचे नीचे पाइप अर्धवृत्ताकार पाइप होता है, ऊपर का जो 1/4 पार्ट है वो ईंट या पत्थर का एज पर मटेरियल हम बना सकते हैं। डेप्थ ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा पानी को ये एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकती है। नेक्स्ट टाइप की जो ड्रेन है अपनी वो है यू टाइप। यू ये थी अक्सर वी टाइप की, ये आ गई यू टाइप, मतलब यू सेक्शन है इसका, यू सेक्शन में ये बनी होगी यू आकार में और ज़्यादा हाइट होती है इसकी, ये जो हाइट है इसकी ये ज़्यादा होगी, मोर हाइट की वजह से ये ज़्यादा पानी को ले जा सकेंगी। और जो इसका बेस है कंक्रीट का बना होता है और ज़्यादा पानी ये हाइट की वजह से ज़्यादा पानी ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती हैं। नेक्स्ट टाइप की जो अपनी ड्रेन है वो होती है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल ड्रेन। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयताकार शेप में ये ड्रेन बनी होगी, आयताकार, रेक्टेंगुलर होता है आयताकार ड्रेन, आयताकार होता है इसका सेक्शन। और जो डेप्थ इनकी ज़्यादा होती है, आयताकार है नहीं तो डेप्थ ज़्यादा होती है इसीलिए ये ज़्यादा पानी को ये ले जा सकती है और गंदे पानी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है सीवर में। कंक्रीट का बेस बना होता है इनका, साइड है जो ब्रिक्स की या स्टोन की हम बना सकते हैं एज पर मटेरियल अवेलेबल। उसके बाद ये तो थी अपनी ओपन टाइप्स की ड्रेन, जो ओपन होती है ऊपर से ढकी हुई नहीं होती। नेक्स्ट जो अपनी ड्रेन है वो होती है अंडरग्राउंड ड्रेन। अंडरग्राउंड ड्रेन होती है अपने घरों के अंदर, जैसे बाथरूमों में, किचन में, और जो छत का पानी आता है वो ओपन टाइप की ड्रेन के थ्रू ही आगे इंस्पेक्शन चैम्बर में जाता है, इंस्पेक्शन चैम्बर से आगे सीवर में जाएगा। ये ड्रेन है जो ढकी हुई होंगी, कोई भी पाइप हो सकता है, कास्ट आयरन का हो या पीवीसी का पाइप है, वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इनको अंडरग्राउंड ढक देते हैं, ऊपर से कंक्रीट डाल देते हैं। ये पानी जो पहले इंस्पेक्शन चैम्बर में जाएगा फिर बाहर ड्रेन में या सीवर में जाएगा। इसी में दूसरी है राउंड क्रॉस सेक्शनल। राउंड क्रॉस सेक्शनल जो राउंड मतलब गोल, गोल क्रॉस सेक्शन होता है इनका, और कास्ट आयरन या स्टोनवेयर के पाइप होते हैं जो वो पक्की फाउंडेशन पे लगाए जाते थे, इसमें एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं ताकि पानी है जो ज़्यादा वेग के साथ, गति के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। और ये स्लोप है जो 40 फीट में एक फीट का स्लोप दिया जाता है, 40 फुट अगर हमारे पास 40 फुट की लंबाई है तो उसमें एक फुट डाउन कर देते हैं ताकि जो पानी है ग्रेविटेशनल फोर्स से जाए। तो ये थी अपनी दो टाइप्स की ड्रेन, ओपन ड्रेन और अंडरग्राउंड ड्रेन। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है दो चीज़ें आई हैं इसमें, एक तो आता है मैनहोल और एक होता है इंस्पेक्शन चैम्बर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों का हमें पता होना चाहिए, मैनहोल क्या होता है और इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है। तो जो इंस्पेक्शन चैम्बर है वो बनाया जाता है अपने घरों में, जो क्लोज्ड ड्रेन है अंडरग्राउंड ड्रेन है उनके निरीक्षण के लिए इंस्पेक्शन चैम्बर बनाए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में इंस्पेक्शन चैम्बर बनाए जाते हैं और जो सीवर होता है एक सीवर को दूसरे सीवर से जोड़ने के लिए इंस्पेक्शन मैनहोल बनाए जाते हैं। मैनहोल मतलब जो एक सीवर को दूसरे सीवर से जोड़ने के लिए बीच में मैनहोल बनाए जाते हैं, और सीवर का इंस्पेक्शन करने के लिए मैनहोल बनाए जाते हैं, और जो इंस्पेक्शन चैम्बर है ड्रेनेज सिस्टम का इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन चैम्बर बनाए जाते हैं। मैनहोल है जो मैनहोल वो साइज़ में बड़े होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं और उसके अंदर मैन या लेबर नीचे उतरकर, मैन नीचे उतरकर इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इसके अंदर आदमी जा सकता है कोई भी इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। और जो इंस्पेक्शन चैम्बर है वो स्मॉल इन साइज, छोटे होते हैं आकार में। जो मैनहोल है वो क्या करेगा, दो सीवरों को
दो या दो से ज़्यादा जो सीवर हैं, एक कई दिशाओं से मान लो दो सीवर आ रहे हैं, तीन सीवर आ रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए मैन होल का प्रयोग किया जाता है। और जो इंस्पेक्शन चैम्बर है वो क्या करेगा, ड्रेन्स को या पाइप्स को जोड़ने के लिए इंस्पेक्शन चैम्बर बनाए जाते हैं। जो सीवर है डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट लेवल मतलब कोई लेवल ऊंचा है कोई नीचा है, उसको जोड़ने के लिए मैन होल का प्रयोग किया जाता है। और जो इंस्पेक्शन चैम्बर है सेम लेवल के जो पाइप्स हैं ड्रेन्स हैं उनको जोड़ने के लिए बनाए जाएंगे। जो मैन होल है उसमें आसानी से वेंटिलेशन हो जाती है, एयर सर्कुलेशन बन जाता है जो मैन होल है। और जो इंस्पेक्शन चैम्बर है उसमें वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं होता, इसी जो वेंटिलेशन है वो मैन होल में होती है, इंस्पेक्शन चैम्बर में वेंटिलेशन नहीं होगी। तो बच्चों ये था अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लम्बर्स ट्रेड के स्टूडेंट के लिए, सिविल के स्टूडेंट्स के लिए, ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट्स में, अगर कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।